रेस्ट कर ले अभी, तो कर ले रेस्ट। चल बच्चों की तरह चिपके, बंदर जैसे चिपकते हैं ना, जैसे बंदरिया आपने देखी होगी अपने बच्चों को चिपका लेती है, ऐसे चिपक जाती है। सो जा सो जा, थैंक गॉड। Hey guys, welcome back to our channel Lakhneet Vlogs, जहाँ पर आज हम दिखाने वाले हैं। इतनी खुश क्यों है? क्योंकि नीतू अभी हॉस्पिटल जा रही है, देखो इतना मेकअप करके हॉस्पिटल जा रही है। मैंने अभी रिकॉर्ड की है कुछ वीडियोस, तो उसके बाद मुझे लखन जबरदस्ती हॉस्पिटल के दर्शन करवा रहा है। इस सिचुएशन में, इस हालातों में लखन मुझे डॉक्टर के पास लेके जा रहा है। जाना पड़ेगा, हालात तेरे भी तो अच्छे नहीं है ना, इसीलिए लेकर जा रहा हूँ लखन। हाँ जी, इधर देखो रश देख आ गया, लॉकडाउन जैसे लग ही नहीं रहा। सीरियसली ऐसा लग रहा है कि ये तो नॉर्मल डेज वाला लग रहा है सब कुछ। तो मैं बता दूं, डॉक्टर के पास तो जा रहे हैं लखन, बकवास करने वाला है लखन कि ये खाती नहीं है इसको, और मुझे मेडिसिन खाना सीरियसली मुझे बहुत गंदा लगता है और बहुत मुझे तो अच्छा लगता है मेडिसिन, मैं तो बिना बात भी खा लेता हूँ। ये लोग भी खा लेते हैं बिना बात, है ना, बिना बात उठे कुछ नहीं मिला तो मेडिसिन ही खा ली। टेस्ट होता है किसी किसी का ना, मुझे मेडिसिन ना ऐसा लगता है मुझे वॉमिट हो जाएगी अगर, एक तो इतनी बड़ी बड़ी टैबलेट्स होती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं तुम नहीं, तुम खा लेते हो लेकिन, डोंट लाइक, तुम खा लेते हो मगर मेरा ऐसा हो जाता है कि मुझे वॉमिट हो जाएगी अगर मैं खाऊंगी। इवन मैं अगर दूध भी पीती हूँ ना तो भी मुझे वॉमिटिंग जैसी फीलिंग्स आती हैं, तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है डॉक्टर के पास जाना, फिर इंजेक्शन लगाना। इंजेक्शन तो मेरे लिए इतना वो नहीं है, मगर मेन थिंग मेडिसिन, आई हेट मेडिसिन। मुझे पता है सबको, किसी को भी खाने नहीं पसंद, मगर मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैं खाती हूँ तो मुझे वॉमिटिंग आने लगती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? प्लीज हमें बताओ। मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा ही होता है, दवाई कड़वी होती है तो कड़वा कोई अगर हम चीज खाएंगे तो हमको क्यों वॉमिटिंग नहीं आएगी यार। अब ऐसा तो है नहीं ना कि हम मेडिसिन की घोल के दही के साथ लस्सी बना के पी रहे हैं, मेडिसिन कड़वी होती है यार, तो ऑब्वियसली बात है किसी को नहीं पसंद वो खाना। ऐसा करते ही क्योंकि मेडिसिन लेनी पड़ जाए यार। इग्नोर हिम, इग्नोर इग्नोर इग्नोर। अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ पे नीतू की वीडियो इंस्टाग्राम के लिए बन रही है, प्रमोशन वीडियो है ये, और देखिए बिहाइंड द सीन्स किस तरह ये मस्ती करती है। क्या नीतू कितनी बार भूलेगी? नहीं पहले वो उठा के डालना है, नहीं पहले आना है एंड देन मुझे कुछ वो करना है स्वेटिंग वाला, देन मुझे अच्छा ओके ठीक। एक्टिंग नहीं हो रही क्या? गो गो। यार अरे घुमाना उसको, तो घुमा के तो रखो यार। हाँ। क्या हुआ यार नीतू, कितनी कितनी थर्ड क्लास एक्टर है यार तू। चलो और इसकी ये वीडियो कम से कम अभी 6-7 रिटेक और लेने वाले, तब भी नहीं बनेगी आई बेट। शर्त लगी हम दोनों में। What? Wow, Neetu is a one take actress. One more. कुछ सामान इसने सब फैलाया हुआ है, मैं जरा नीतु का मुंह साफ कर दूं। चुप है, मैंने मेकअप नहीं किया वैसे भी, तुम साफ कर सकते थे। देखो बिना मेकअप का चेहरा नीतु का, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है क्योंकि बिना मेकअप के तो सोती भी नहीं है, ये सोती भी मेकअप कर गई है। और मेरा फर्ज था आपको सच बताना क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ झूठ नहीं बोल सकता। क्या लग रहा है नीतू तुझे? मुझे लग रहा है मैं इस टैल को खा रही हूँ क्योंकि इतना टेक ले लिया हम लोग। वो लग नहीं रहा, वो तू खा ही रही है सच में। इसको लगता है कि अगर ये टैल खाएगी तो ये गोरी हो जाएगी। मैंने बोला था ना अब आप गिनते रहो, 4 रीटेक तो हो गए, अभी 5वां और होगा, इसके बाद मैं जीत जाऊंगा, इसके बाद भी ये 5 रीटेक लेगी, इस बात की गारंटी है। नीतू बना ले यार, सब लोग तेरे लिए इतना प्यार, सब लोग विश कर रहे हैं। नहीं काटा यार एक, ये दीवार टूटती क्यों नहीं है भैया? नहीं
कितनी देर और चलेगा ये सब ड्रामा? अरे यार ये हटाऊं कैसे? ओह माय गॉड, ये तो परेशान हो चुकी है यार, और मुझको इसको परेशानी में देखना बहुत अच्छा लगता है। और ये इरिटेट हो चुकी है इस टाइम। आँख में भी चला गया नीतू के यार, दोस्तों ऐसे कैसे चलेगा यार? शिट, बहुत ही गंदा। ये देखो बदतमीज लड़की, मैं बहुत इरिटेट हो चुकी हूँ। चलो लास्ट टेक गाइस, लास्ट टेक। सब लोग इरिटेट हो चुके हैं नीतू। पहले तुमने सॉन्ग गा के काम किया, मैंने कुछ नहीं किया। अपना हुआ स्टार्ट कर दो ना। वाह नीतू, यू आर सो टैलेंटेड नीतू, अपने टैलेंट के पीछे कहानी बनाओ लोगों को। बहुत हार्ड वर्क है, बहुत हार्ड वर्क है सच में। नीतू बहुत हार्ड वर्क करती है, क्योंकि एक टेक के लिए जो बंदी 20 रीटेक लेती हो तो आप सोच सकते हो कितना हार्ड वर्क करती होगी वो। आई कैन फील फॉर हर। तो जैसा आपने देखा, ही सो इरिटेटिंग, मुझे शूट नहीं करना। मैं इरिटेटेड हूं, मतलब मुझे ऑलरेडी इरिटेट कर दिया है, बट इट्स ओके। तूने इनफैक्ट यू शुड बी थैंकफुल एंड प्राउड ऑफ हैविंग मी, यू नो, जितनी देरी मैंने मदद की है। चलो ठीक है, मेरे पैर दबा दो थोड़ा सा। अच्छा ऐसे दबाऊं? नहीं नहीं, प्यार से, प्यार से। ओके, क्या बदतमीजी है यार। थैंकफुल होना है ना। चलो थैंकफुल ऐसे होता है? यस थैंकफुल ऐसे होता है। नहीं तो मैं तो बहुत थैंकफुल हूं तेरे लिए। रुक रुक रुक, मैं भी बहुत थैंकफुल हूं। प्लीज जल्दी से पैर दबा दे मेरे। देखो ये ऐसे करता है, ध्यान से देखो इस चेहरे का। ये देख तू कैसे करती है। गाइस देखो ये ऐसे करती है, ये है इसका असली रूप। गाइस आपको अगर ये स्टेप सीखने तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखो और जिस जिसको दिक्कत है वो मेरे को डीएम कर सकता है। हाथ ऐसे करने हैं, और ये देखो इधर से भी कर सकता हूँ मैं। कभी घमंड नहीं किया, कभी घमंड नहीं किया। थैंक यू। क्या डांस करता है? मुझे भी डांस सिखाओगे प्लीज? हाँ सिखाऊंगा। यही मूव सीखना है मुझे, ये वाले टफ है यार। ये पहली बार मैं नहीं सीख पाएगी। मैंने पता है तुमने कितनी तपस्या की है। पहले हाथ ऐसे उठाने हैं, फिर ऐसे। ओह गॉड यार ये तो बहुत टफ है। क्या था? नहीं हो पाएगा तुम बच्चों से ऐसे थोड़ी ना। मुझे अगर ये मुझ जैसी एक दिन में बन जाएगी तो फिर बात ही क्या थी। बहुत मेहनत लगी नहीं तो। हाय एवरीवन, आप देख सकते हैं ये ड्रामा क्वीन जो है लेटी हुई है। इसके लेटने की वजह है, ये मेरे को रिकॉर्ड कर रही है मुझे पता है, लेकिन इसकी लेटने की वजह है कि आज मैडम के पेट में दर्द है। और पेट में दर्द इसलिए क्योंकि इसको एक बहुत नायाब आदत है खाने की। क्या है वो यार? प्लीज मत करो, मैं सच में दर्द हो रहा है। तुम इसको रिकॉर्ड भी क्यों कर रहे हो? आपको पता है क्या खाती है? कच्चे चावल। मतलब कोई सेंस है इस बात का? कच्चे चावल लेगी, उसको चबा जाएगी, खा जाएगी। और इसको मुझे लग रहा है इसको स्टोन्स की दिक्कत होने वाली है। पहले भी एक बार हुआ था, तो जब अल्ट्रासाउंड किया था डॉक्टर ने, तो देखा था थोड़े थोड़े स्टोन्स टाइप के बन रहे थे। वो जो कच्चे चावल होते हैं वो खा लेती है ऐसे ही जानवरों की तरह, उसकी वजह से। और आज देखो फिर से यहीं पड़ी है। कैसा लग रहा है? सच में पेन हो रहा है। तो अपने तो पेन तो सच में क्या नहीं तो पेन क्या झूठ में भी होता है यार? मेरे को दूसरा शॉट लेना है, मैं कैसे लूँगी अब मुझे समझ नहीं आ रहा। क्यों? प्रमोशन की वीडियो बनानी है। ओह माय गॉड, ये देखो बेचारी इतनी गरीब है कि इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मतलब ये चावल तो कहीं से ले आती है चुरा के, लेकिन फिर घर में गैस भी नहीं है, पानी भी नहीं है, उसको उबालेगी कैसे, पकाएगी कैसे, इसलिए बेचारी कच्चे चावल खा जाती है। तो अगर आप लोग देख रहे हो तो प्लीज़ इससे ये चीज़ बिल्कुल भी ना सीखें, क्योंकि मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग कच्चे चावल खाएं और अपनी हालत ऐसी बना लें जैसी इसकी अब हो रही है। बहुत लोग कच्चे चावल स्लेटी चौक। क्यों नहीं तो क्यों? डॉक्टर ने मना किया है ना, कल ही कच्चे चावल चबा रही थी ना यहाँ पे तू बैठ के। आज भी
बाप रे और पेन हो रहा है ऐसा है कुछ ना कुछ पेन कुछ चुभ रहा है हाँ, तो वो चावल अंदर चुभ रहे होंगे ना कच्चे ऐसे खा ली तूने तुम यार मेरे लिए कुछ ना, काला नमक और अजवाइन होता है ना वो ला दो चल ठीक है मैं जाता हूँ तो गाइस मैं जा रहा हूँ अब इसके लिए कुछ लेने क्योंकि थोड़ी सच में इसकी ज़्यादा तबीयत खराब होती जा रही है पहले लेके आता हूँ उसके बाद बात करता हूँ बाय मम्मी मम्मी हाँ। दवाई चाहिए नीतू के लिए दवाई चाहिए हाँ किस चीज़ की वो जो वो खाती है ना कच्चे चावल हाँ। उसके पेट में दर्द रहा है एक तरफ को चुभ भी रहा है कुछ अब या तो गैस का है या फिर वो कुछ ऐसा पुदीन हरा वगैरह कुछ दे दो मेरे को पुदीन हरा कुछ भी ऐसा कहाँ रखा है कुछ है कोई पेन किलर वगैरह कुछ तो दे दो मम्मी उसका बहुत ही दर्द हो रहा है मैं उससे उठा बैठा भी नहीं आ रहा बिल्कुल यही होना चाहिए उसका कल ही खा रही हूँ वो ले जाऊँ मैं हिंगोली वगैरह रखी हुई मेरे पास उससे हो जाएगा ना ठीक है उसका होगा तो हेलो एवरीवन तो ये मैंने ले लिया नीतू के लिए इनो और मैं बस एक गिलास पानी पीने के बाद और मैं दोबारा जाऊंगा नीतू के पास होपफुली इससे ठीक हो जाए और भगवान करे गैस का दर्द हो वो और वो कोई स्टोन्स वगैरह ना हो क्योंकि बहुत पेनफुल हो जाएगा लॉकडाउन में वैसे भी अभी हॉस्पिटल जाना सेफ नहीं है तो आई होप कि इसी से ठीक हो जाए पर ये इनो भेजी मम्मी ने लाता हूँ कप में कौन देता है यार लेना अभी अरे ये बाहर आएगा तो ग्लास चाहिए अरे कुछ नहीं होगा यार तू लेना दीदी को बोल दो ग्लास दे दे बुलाओ हाय गाइस मैंने मेकअप किया है और मैं लग नहीं रही हूँ कि मेरी हालत ऐसी है मेरी स्टमक पे तो पूरा पी जियो अरे मुझसे मूव भी नहीं हो रहा क्योंकि मेरे एक ही जगह पेन है यहाँ पर और यहाँ पर मेरे ऐसा पेन हो रहा है जैसे कि कोई 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 पिन कर रहा है हर सेकेंड्स में हो रहा है आई मीन बोलने में भी हो रहा है ओके ये पूरा भरता है पानी यार हाँ पूरा भरेगा पूरा अपने आप इससे झाग से ऊपर उठ के आएगा पानी और भरना है मुझे लगता है झाग से उठ के अपने आप आएगा ऊपर यार आई थिंक पानी और चाहिए ये तो नहीं ना पीजा 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 जल्दी पीजा मैं इसको फर्स्ट टाइम पी रही हूं ये तो पीजा यार पीजा 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 जल्दी पीजा यार क्या कर रही है नहीं पीजा इसके झाग तो पीना होता है उम्मीद है अब थोड़ा सा तो कम से कम ठीक फील करे और अगर नहीं करती तो फिर अनफॉर्चुनेटली मुझे उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा तो होपिंग फॉर द बेस्ट देखते हैं कुछ देर में क्या होता है तो थैंकफुली अब लगभग 20 मिनट हो चुके हैं उसको इनो पिए और अब बहुत हद तक इसको रिलीफ है तो इसका मतलब गैस थी इसको कम खाया कर उल्टा सीधा समझ आ रही है भाई देखो इसकी जब तबीयत ख़राब होती है तो ऐसे बच्चों की तरह गोद में बैठ जाती है इस तरीके से ओके ओके सो जा अब थोड़ी देर रेस्ट करेगी फिर वीडियोस बनवाऊंगा इससे बहुत सारी थोड़ा सा मैं वीडियो बना रहा हूँ तेरी आज बहुत सारी वीडियो बना रही है तेरे को रेस्ट कर ले अभी तो कर ले रेस्ट सर बच्चों की तरह चिपके बंदर जैसे चिपकते हैं ना जैसे बंदरिया आपने देखी होगी अपने बच्चों को चिपका लेती ऐसे चिपक जाती है सो जा थैंक गॉड कम से कम मुझे डर था कि कुछ स्टोन्स वगैरह जैसा ना हो ऐसा कुछ नहीं लेकिन नीतू प्रॉमिस कर आज सबके सामने कि अब तू वो कच्चे चावल नहीं खाएगी आज के बाद कर सर पाजे कसम नहीं बाय निकल यहां से यार मैंने ट्राई कर दी बाय ठीक है मैं जा रहा हूं बाय लेकिन सबको कच्चे चावल अच्छे लगते तो कोई बात नहीं बाय अच्छा ठीक है नहीं खाऊंगी प्रॉमिस कर प्रॉमिस नहीं ठीक है अब देखते हैं प्रॉमिस कब तक चलता है इसका मतलब तुझे प्रॉमिस तोड़ना है क्यों बस तो चुप हो जा हाय यस ठीक होगी वो होपफुली अब ठीक है